वापस से नई वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अभी हम मसानजोड़ पे पहुंच चुके हैं और मसानजोड़ को सब जानते हैं। ऑलमोस्ट 90% जो लोग हैं यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, हमारा भी काफ़ी वीडियो यहाँ से आ चुका है। बट आपको यहाँ की आज ऐसी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे, ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो कि आप लोग शायद एक्सपीरियंस नहीं करे होंगे और बहुत को इस चीज़ का पता भी नहीं होगा। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो एंजॉय करिए। तो दोस्तों देखिए, आज हम अकेले नहीं आए हैं, हमारे साथ और दो बंदे हैं, दो भाई साहब हैं और इनका भी ब्लॉगिंग चैनल है। एक्चुअली आज हम साथ में प्लान किए हैं कि कुछ अलग सा दिखाते हैं, कुछ क्रिएटिविटी दिखाते हैं जो कि सबसे छुपा हुआ है। तो इनका जो चैनल है, थोड़ा भाई साहब बता दीजिए क्या नाम है। मेरा चैनल का नाम है कादरी भाई और मैं उसमें ब्लॉगिंग करता हूँ। रात रात भर उल्लू जैसा जग जग के एडिट करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है, फिर आप लोग को वीडियो पहुँचती है। तो थोड़ा सा भाई सपोर्ट करिए, आने वाला समय में कोशिश रहेगा कि और अच्छी से अच्छी कंटेंट आप तक जरूर पहुँचाएंगे हम सब मिल के। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो आज संडे होने के बावजूद और बोट यहाँ पे बहुत सारा अभी व्यवस्थित कर दिया गया है, पहले एक या दो था जिस कारण क्या था कि रेट बहुत हाई हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है कि 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ में भी जाने के लिए बंदा लोग रेडी है और आपके पीछे पीछे भी घूमते रहते हैं। एक बोट बहुत दूर तक गया हुआ था, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, और सामने देखेंगे तो वहाँ 3-4 जो बोट है अलग अलग। आप जब भी मसानजोड़ आते हैं आपको खाने पीने का कोई बहुत ज़्यादा खास दिक्कत नहीं होने वाली है, हालांकि वैसा प्रॉपर होटल भी एक दो मिल जाएंगे, बाकी एज ए टाइम पास अमरूद के भाजे, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और चाट, गुपचुप, वो सब सारा कुछ मिल जाता है। हालांकि कभी कभी हमको लगता है ना कि रेट थोड़ा हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू मार्केट, बाकी काम चलाओ है, थोड़ी बहुत तो आप कर ही सकते हैं। मसानजोड़ में आप जनरली पानी देखे होंगे, पहाड़ की खूबसूरती देखे होंगे, रोड देखे होंगे, सीनरी देखे होंगे, सारा कुछ। लेकिन आज हम आपको थोड़ा सा थ्रिलिंग कराने जा रहे हैं, माउंटेन ट्रेकिंग करेंगे। सामने आप देख सकते हैं जो पहाड़ है, पहाड़ में हम लोग चढ़ेंगे और पहाड़ का वो जो चढ़ने का एक्सपीरियंस है वो दिखाएंगे और ऊपर से मतलब क्या व्यू आता है। आज इस पर्पज़ के लिए हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो जाता है कि चढ़ने के लिए कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, कि फ्री में है कि क्या है, वो हमें नहीं पता, आज फर्स्ट टाइम है। हालाँकि कई बार हमारा इधर में आना जाना हो चुका है लेकिन कभी पहाड़ चढ़े नहीं हैं। तो एक यहाँ पे है पर्सन, तो इनसे थोड़ा सा मिल के बात करते हैं। बोले दीदी, एक आदमी का दो तीन आदमी हैं हम लोग, बोलिए कितना देंगे। 5 टका करके वही ख़त्म हो गया, लीजिए 5 टका रहने दीजिए, 15 टका ही था हमारे पास कैश, ये आप देख सकते हैं। तो इटो रहने दीजिए हमारे पास। ये आप ही लोग बनाते हैं ना यहाँ पे? हाँ, तो रास्ता बनाया है बाबू। रास्ता आप ही लोग बनाए ना? हाँ। ओके ओके। इनका इतना तो बनता है क्योंकि पहाड़ चढ़ने के लिए जिस तरीके से रास्ता कटिंग किया जाता है, उसका मेंटेनेंस किया जाता है, थोड़ा सा मतलब इनका भी तो क्रेडिट जाता है। तो 5 रुपये बहुत ज़्यादा वैसा कुछ है नहीं, लेकिन चढ़ते चढ़ते अब थोड़ा सा मतलब रिस्की लगने लगा है क्योंकि ये रास्ता स्लिपरी है। हम आपको टाइम दिखाते हैं, अभी तो 12 बज के लगभग 13 मिनट हो गया है, हालांकि 1 मिनट पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करे होंगे। तो देखते हैं ऊपर पहुंचने में हमें कितना समय लगता है। तो देखिए हम लोग थोड़ी ऊंचाई पर चढ़े हैं और पीछे का व्यू आप देख सकते हैं मसानजोड़ का, ऐसा लग रहा है कि ये ड्रोन व्यू है। और यहां का जो हवा है ना, हवा भी थोड़ा सा ठंडक में बदल गई है क्योंकि पानी का जो सोर्स है बहुत ज़्यादा है, दूर दूर तक फैला हुआ है और थोड़ा सा मतलब मज़ा आ रहा है, थ्रिलिंग है। देखिए काफ़ी लोग अभी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये भी यहाँ पे चढ़े हुए थे और हम भी कुछ दूर से आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं हुआ। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या हमको लगता है जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? अभी जैसा कितना दूर बचा है, कितना ऊपर बचा? बहुत ऊपर है क्या? बहुत ज़्यादा फिला के बांधा चे, हालत ख़राब हो जाएगा। हालत ख़राब होने की बात सुन के हमारा भी थोड़ा सा अब मन डगमगा रहा है, लेकिन क्या करें, थोड़ी दूर जब आ गए हैं तो अभी थोड़ी दूर नहीं, अभी बहुत दूर बाकी है, ऐसा मत बोलिए, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा दीजिए झूठ बोल के ही। तो चलिए ठीक है, एक मज़ा आता है। हालांकि आप अगर ये माउंटेन ट्रेकिंग करते हैं तो थोड़ा सा आपको समय लेके चलना ही पड़ेगा। आप अगर बोलेंगे कि 10 मिनट में हम चढ़ लेंगे, 10 मिनट में उतर जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का समय आपको इधर स्पेंड होगा ही होगा।
देखिए पहाड़ के ऊपर भी एक छोटा सा दुकान बनाया हुआ था जो बांस उसका घेराव करके है, लेकिन अभी हालांकि बंद है। तो हमें लगता है कि जब उसका खास सीज़न आता है, जब ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो उस समय ज़रूर खुलता होगा। और ऊपर से व्यू देखिए कितना खूबसूरत बन रहा है, हालांकि नीचे से भी तो मज़ा आता है, बट ऊपर की बात करें तो यहाँ का बात ही कुछ अलग है। अभी हमारा 15 मिनट करीब हो गया पहाड़ चढ़ते चढ़ते, और काफ़ी ऊंचाई तक आप पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं नीचे कुछ कुछ पानी दिख रहा है, उस लेवल से हम लोग पहुँचे हैं यहाँ तक, और थोड़ी सी ऊंचाई बची हुई है। आप देखिए ये जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं ना यहाँ पे, बस यहाँ तक पहुँचना है हार्डली हमको लगता है कि, और 5 से 7 मिनट लगेगा फिर हम लोग पहुँच जाएंगे। भाई लोग से थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं कि कैसा लगा यहाँ तक आने में। हम तो बिल्कुल पसीना पसीना हो गए, चेहरा भी लाल हो गया बिल्कुल हमारा। हम लोग का तो रोज़ा रखे हैं, हालत ख़राब हुई है बिल्कुल। रोज़ा रख के यहाँ तक चलना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी हम लोग जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो बनाने के लिए आ गए, और फिर चलते भी ऊपर और वहाँ से आप लोग को दिखाते हैं किस तरह से आता है वहाँ का नज़ारा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, चलिए चलते हैं फिर। तो दोस्तों फाइनली हमें लगता है कि हमारा जो डेस्टिनेशन था वहाँ पहुँच ही गए हैं। और ये क्या, एक साइड तो इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ ब्रिज है, बट आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा पेड़ से मतलब ब्लॉक हो जा रहा है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो इधर भी आपको काफ़ी ढेर सारा पानी दिखाई देगा। तो काफ़ी जो डिस्टेंस की बात करें ना, काफ़ी दूर तक हम लोग आए हैं और काफ़ी ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं। हमारा हालत ख़राब हो गया, सही बता रहे हैं, पसीना से तरबतर हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। ये भाई भी यहाँ पे अपना अपना ब्लॉगिंग सब कर रहे हैं। तो चलिए इस पत्थर पे चढ़ते हैं और पत्थर में भी देखते हैं, पता नहीं चढ़ पाएंगे कि नहीं। ये देखिए यहाँ का व्यू ही कुछ अलग है। और रोड तो हाँ, रोड नज़र आ रहा है थोड़ा इस कोने पे, आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा रोड है और काफ़ी रिस्की भी है। आप अगर नॉर्मल स्लीपर वगैरह पहन के आते हैं तो वैसा मत करिए, थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए और अच्छे सोल वाले जूते पहन के आइए, तब थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ चढ़ने का तो नहीं बन रहा भैया, काफ़ी स्लीपरी है, इधर से देखते हैं। ये भाई साहब भी चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं काफ़ी, हाँ इनका तो हो गया, हमारे हाथ कैमरा है। फाइनली यहाँ तक चढ़े और सबसे बड़ा पत्थर ये रहा जो कि दूर से दिखाई पड़ रहा था। हमारा गाड़ी वगैरह जो बाइक नीचे रखा हुआ है वो पोर्शन तो दिख रहा है, बट वहाँ पेड़ सब है थोड़ा सा, इस कारण ब्लॉक है। और देखिए खूबसूरती, इतना मज़ेदार, मतलब पहली बार में आप तो उसको बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये मसानजोड़ है। मज़ेदार है, काफ़ी ठंडक है और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। हम सोचे थे कि इस पहाड़ के साथ साथ सामने वाला जो पहाड़ आप देख रहे हैं उधर में, इसको भी चढ़ने का प्लान था। और पहाड़ चढ़ने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मूर्ति है, पूजा वगैरह सारा कुछ यहाँ पर होता है प्रॉपर, लेकिन श्रद्धालु यहाँ पे हर रोज़ कैसे चढ़ते होंगे हमें नहीं पता। बाकी बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है, इतनी खूबसूरत, मतलब मसानजोड़ का जो व्यू है वो इमेजिन भी नहीं किए थे और आज वो कुछ देखने को मिल गया। नीचे देखिए वो कैनल, इसको पानी सप्लाई होता है, कुछ झारखंड को भी जाता है ये पानी और कुछ बंगाल को भी जाता है। काफ़ी अच्छा खेती बाड़ी हुआ है आगे में और सामने से रोड भी है। और यहाँ पे देखिए ये डैम है, काफ़ी लंबा ब्रिज है वो भी दिख रहा है, बोटिंग वगैरह सारा कुछ यहाँ पे कर रहा है और लोग जो क्रॉस कर रहे हैं छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई तक आ चुके हैं। और उधर भी एक बोट आपको नज़र आ जाएगा, देखिए थोड़ा ध्यान से। और टापू वगैरह काफ़ी ढेर सारा है यहाँ पर, तो मेजर टापू अगर की बात करें तो 2 टापू है क्योंकि काफ़ी खूबसूरती यहाँ पर बढ़ा देती है। और वो जो गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस है, 1 किलोमीटर पहले ही है मसानजोड़ डैम से पहले, तो वो वहाँ पे दिख रहा है। और रोड भी देखिए, रोड भी इस तरीके से गया हुआ ना, तो काफ़ी मज़ेदार, मतलब इसको व्याख्या नहीं कर पा रहे यार। हमारा प्लान था चढ़ने का था, हालांकि हम किसी तरह तो चढ़ गए, लेकिन एक चीज़ हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट अगर आप
कभी पहाड़ चढ़ने का प्लान करते हैं तो प्रॉपर कुछ खाना या फिर पानी ज़रूर लेके आइए, क्योंकि ऊपर में कुछ भी ऐसा चीज़ अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात है कि नीचे से आपको लगता है ना कि बहुत मतलब छोटा हाइट है, वैसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है और आपको चढ़ने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो रोड वगैरह आप देखेंगे तो देखिए कितना छोटा छोटा सब कुछ नज़र आ रहा है। और जो बीच वीडियो में एक हम झोपड़ा की बात किए थे कि पहाड़ के ऊपर में कुछ दुकान बनी हुई है, तो वो वहाँ पे है, वो भी काफ़ी नीचे है। और नीचे का पोर्शन है ना काफ़ी, हमें लगता है कि एटलीस्ट 500 से 600 फीट नहीं, कम से कम 200 मीटर तो ज़रूर होगा, 200 से 300 मीटर की उतनी ऊंचाई की हमने चढ़ाई कर ली है। रास्ता भी घुमा हुआ है जिस कारण थोड़ा सा टाइम टेकिंग और ज़्यादा बढ़ जाता है और थोड़ा सा रिस्की है। जूता वगैरह कुछ अच्छा से लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि बच्चे ऊपर आप चढ़ते आएंगे, मतलब जितना ऊपर आप पहुँचेंगे धीरे धीरे आपको कंकड़ वाला रास्ता मिलते जाएगा, बालू वाला होता है ना जिसमें पाँव रखेंगे और फिसलेगा, वैसे उस टाइप का आप लोग को यहाँ पर रास्ता मिलेगा जैसे ऊपर आएंगे। इसीलिए आप लोग जूता जो है जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा पहन के आइएगा, पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कीजिएगा और यहाँ से जो है व्यू आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। और बच्चे को इसमें कोशिश करिएगा कि छोटे बच्चे जो हैं उसको इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बाकी व्यू की बात करें तो व्यू काफ़ी सुंदर है, मसान जोड़ जिस तरीके से दिखाया जाता है या फिर जिस तरीके से हम देखे हैं उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन थोड़ा सा आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप एक बार अगर ऊपर आ जाते हैं तो ऊपर का जो दृश्य है वो काफ़ी मनमोहक और काफ़ी सुंदर बन जाता है। तो चलिए इसी के साथ अब हम नीचे उतरने का कोशिश करेंगे, उतरने के क्रम में किस तरीके की परेशानी आती है और क्या चैलेंजेस आता है वो सारा कुछ हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि आपकी सेफ्टी आने वाले समय में वो बना रहे।